स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग जिस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो आज हम लोग इस आइसोमेट्रिक के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इसमें विशेष कुछ स्लॉट कटे हुए हैं, कुछ होल्स है उसके बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि प्रत्येक वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है, किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री का होना जरूरी है। इस तीनों डिग्री को मिला के ही हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये 60 जो कि ये लाइन 30 डिग्री में गया हुआ है। अपोजिट साइड की बात करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं टोटल 120 दूरी 150 डिग्री में गया हुआ है और ये वर्टिकल लाइन जितने आप देख रहे हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री में गए हुए हैं। इसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की यदि बात हम लोग करते हैं तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो ये 60 दूरी जो गया हुआ है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो कि राइट साइड है और 120 जो कि लेफ्ट साइड सारी दूरी यहाँ पे गया हुआ है। ऊंचाई की बात करते हैं हम लोग तो देखिए यहाँ से यह 35 गया हुआ है, लेकिन ऑल ओवर लेंथ आपको निकालने के लिए दूरी को जोड़ना और घटाना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 35 लिखा हुआ है लेकिन ये इसका टोटल हाइट नहीं है, इसके साथ यहाँ भी कुछ और हाइट इसके साथ जोड़ना होगा। तो ये दूरी कितना है इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टोटल इस पॉइंट से ऊपर की ओर 25 गया हुआ है जिसमें कि ये दूरी आपको माइनस करना है। इसलिए माइनस करना है कि ये 35 के अंतर्गत आ रहा है, तो ये हम इसमें 10 माइनस कर देंगे। तो 25 में यदि 10 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 15 इसकी दूरी हो जाती है। तो अब 35 और इस 15 को जब जोड़ेंगे तो आपको टोटल हाइट आ जाएगा जो कि 50 हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग ने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखा। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये दो होल बने हुए हैं जो कि थ्रू आउट हैं यहाँ और यहाँ पे, जिसका डायमीटर 20 है। यहाँ पे कुछ रेडियस बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है 10। इधर हम लोग बात करते हैं यहाँ जो स्टेप बने हुए हैं जिसका कि 15 इस तरफ से और इस तरफ से भी 15 है। इसका हाइट की यदि बात करते हैं कितना हाइट है तो यहाँ देखिए टोटल हाइट हमारा 35 है। 35 में आप 15 को माइनस कर देंगे तो इसका हाइट यहाँ से निकल के आ जाएगा जो कि 20 होगा। सेम इस तरफ भी बना हुआ है और यहाँ जब नीचे में हम लोग देख रहे हैं ये छोटा सा एक कट, तो ये इतना ही दूर नहीं है। अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है नए नए जो ड्राइंग बनाते हैं और सीखते हैं उनसे, तो एक्चुअल में यह लाइन आर पार गया हुआ होता है, ये स्टेप यहाँ पे बना हुआ है। इसको देखने के लिए हम लोग व्यू को थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ कि देखने में सुविधा होगी। यहाँ देखिए यह छोटा सा लाइन यहाँ पे दिख रहा था, ये टोटल आर पार एक स्टेप के रूप में गया हुआ है और ये आगे वाला भाग खाली है। यदि हम लोग होल की बात करते हैं तो होल को आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से ये पूरा का पूरा थ्रू आउट होल है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग को पूरा तरह से समझना होगा, तब जब आप ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह 100% सही होगा। कोई भी कन्फ्यूजन यदि हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यदि इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तो कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फ्रंट के तरफ से जिधर से एलिवेशन लिखा हुआ है उधर से इसको रोटेट करके देखते हैं, घुमाते हैं। ये देखिए इसको मैं आपको एलिवेशन के तरफ से रख रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब घूमता है तो आपको किस तरह से व्यू दिखाई पड़ता है। इसको मैं पूरा सेट कर दूँ, ये हमारा फ्रंट दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट में सिर्फ इतना भाग बनेगा। कलर डिफरेंस का मतलब आप समझ चुके होंगे, ये आगे वाला भाग है 35 का और टोटल हाइट जो हमारा 50 है वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसा कि हर एक वीडियो में बताया जाता है, जैसे ही हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जाते हैं तो डिग्री हमारा परिवर्तन हो जाता है। जो डिग्री 150 डिग्री में जाता है वो हमारा 180 डिग्री में यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो चुका है और 90 डिग्री हमारा 90 डिग्री में ही बना रहता है। तो देख रहे हैं आप इजीली इसको बनाना
बहुत ही आसान है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आप इस तरह से सारा डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, इस डायमेंशन को काउंट करते हुए आप देख सकते हैं, इसका टोटल व्यू बना सकते हैं। और जब इसका ऑर्थोग्राफिक हम पूर्ण रूप से देखेंगे, वहाँ पे सारी डायमेंशन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम लोग इसको साइड की तरफ से देखते हैं। देखिए इसको मैं साइड की तरफ से आपके सामने मूव कर रहा हूँ, जिससे कि देखने और समझने में सुविधा रहे। इसको मैं साइड के तरफ से मूव कर दे रहा हूँ। जब इसको साइड के तरफ से हम लोग घुमाएंगे तो देखेंगे यहाँ कुछ इस तरह से यह दिखेगा। इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ पूर्ण रूप से। थोड़ा सा व्यू को जूम कर दे रहा हूँ, जो कि मोबाइल के स्क्रीन में देखने में असुविधा हो जाती है। यहाँ देखिए, जब आप इसको साइड से देखेंगे तो यह आपका सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि ये नीचे वाला भाग स्लॉट के बाद का था, वो रेड में दिख रहा है, और सारे यहाँ पे डिग्री जो 30 डिग्री में जा रहा था वो 180 डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं, और सारा यहाँ पे दूरी दिया हुआ है। यहाँ पे जो रेडियस बन रहा था वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रेडियस यहाँ पे कुछ छुप रहा है, ये कैसे छुप रहा है इसको आप व्यू को मैं थोड़ा सा इस तरह से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि समझने में आपको बिल्कुल सुविधा रहे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो रेडियस बना हुआ है, जब इसको हम लोग साइड से देखते हैं तो ये वाला भाग इस रेडियस को ढक दे रहा है। इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का लाइन, हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे ऑर्थोग्राफिक बनाते समय। ये जो दोनों होल यहाँ पे बेस में दिख रहे हैं वो भी हम जब इसको सामने से देखते हैं तो देखिए ये बिल्कुल छुप जा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू जब बनाएंगे तो उसको भी दिखाना होगा। उसको किस तरह से दिखाते हैं हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके आगे देखने वाले हैं। पुनः हम लोग इसको आइसोमेट्रिक व्यू की तरफ रखते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में पुनः आ चुका है। अब हम लोग को टॉप की तरफ से देखना है, तो चलिए इसको हम लोग टॉप की तरफ से मूव करते हैं और देखते हैं कि टॉप की तरफ से जब इसको देखेंगे तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए आपके सामने मैं इसको टॉप की तरफ से मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो नीचे का भाग था वो छुप चुका है, जो कि स्टेप के रूप में आगे में दिख रहा था वो छुप चुका है। इसको मैं पूर्ण रूप से सेट कर दूं और फिर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो रेडियस है उसका कलर मैंने डिफरेंट रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और होल हमारा थ्रू आउट है, जो साइड जितना चौड़ा था टॉप हमारा उतना ऊंचाई में बदल चुका है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी यदि हम लोग बात करते हैं तो ये 60 में आ चुका है। जो हमारे साइड में बने हुए स्टेप थे वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह बेस में एक ही साथ दिखता है। लंबाई चौड़ाई इसका दिया हुआ है, थ्रू आउट आप होल देख रहे हैं। यहाँ भी कुछ भाग छुप रहे हैं, उस छुपे हुए भाग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाग जो 10 स्टेप में बना हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा और आप लोग के सामने इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये भाग हमारा टॉप से देखने के बाद बिल्कुल छुप रहा था, जो भी आपने देखा। मैं पुनः इसको टॉप के रूप में रख रहा हूँ। देखिए वो भाग हमारा छुप चुका है। उसको भी बनाने के लिए हमें जब ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे उसको भी हमें दिखाना है। तो ये टोटल हमारा आइसोमेट्रिक को हमने घुमा के फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को देखा। अब मैं पुनः इसको आइसोमेट्रिक की स्थिति में रखता हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे। ये हमारा व्यू आ चुका है आइसोमेट्रिक। अब हम लोग ऑर्थोग्राफिक में देखते हैं वन बाय वन इसको, किस तरह से हम इसको विथ डायमेंशन बनाते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों व्यू अभी आपके सामने दिख रहे हैं। जहाँ तक ये लाइन की बात, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था, इस लाइन का मेंटेन करना जरूरी है। कभी भी आप इस तरह से पतला लाइन में नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और ये ऑब्जेक्ट लाइन आपका सेम एक ही थिकनेस में दिखता है। इसके लिए थिकनेस को मेंटेन करना है। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको याद दिला रहा हूँ, इस तरह से आपको थिकनेस को मेंटेन करना है। ये लाइन हमारा मोटा होना चाहिए। कितना मोटा होना चाहिए? ये डायमेंशन लाइन का 2.5 गुना। विशेष जानकारी के लिए लाइन चैप्टर इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखें, अभी फ्रंट व्यू को सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे होल देखा था फ्रंट व्यू में, जिसका कि यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों यहाँ पे डिटो लाइन का प्रयोग किया गया है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है ये चीज। यहाँ पे एक और हिडन लाइन का प्रयोग किया गया है। यह हिडन लाइन क्या चीज का है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये वाला भाग जो एज बन रहा है, प्लस यहाँ भी उसी प्रकार का एज इधर से भी बन रहा है, इसको हम लोग रोटेट करके देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये हमारा एज इधर से भी बन रहा है, लेकिन जब फ्रंट व्यू के सामने इसको हम लोग देखते हैं तो वो एज हमारा नहीं दिखता है। इसको दिखाने के लिए यहाँ पे हिडन का प्रयोग हुआ है। दोनों होल आप देख पा रहे हैं, इस दोनों होल को इधर से देखने के बाद इलिवेशन की तरफ से हमने देखा था, वहाँ नहीं दिख रहा है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होल। कितना दूरी में यह होल बनेगा उसकी दूरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला इस लाइन से, इस ऑब्जेक्ट लाइन से ये सेंटर लाइन 40 की दूरी पर है, दूसरा इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन की दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है 45 है, जो कि आप देख रहे हैं। ये हिडन जो बना हुआ है डायमीटर हमारा 20 है, तो सेंटर लाइन से 10 राइट साइड और 10 लेफ्ट साइड, इसी प्रकार यहाँ भी 10 राइट साइड और 10 लेफ्ट साइड बना के आप ये यहाँ पे डिटो लाइन को दिखा सकते हैं। और इसका स्टेप कितना में बना हुआ है, कितना दूरी लाइन जाना है आगे, हर एक डायमेंशन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि समझने में कोई समस्या ना हो। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए ये आगे वाला स्टेप जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आगे वाला स्टेप 35 का आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके पीछे ये भाग हमारा 15 है, ये ऊपर में यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एलिवेशन को बना लेंगे। साइड व्यू की बात यदि करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए साइड व्यू हमने देखा था किस तरह से बन रहा है। ये नीचे वाला भाग स्टेप जो 10 का है, पीछे वाला भाग दिख रहा है, और ऊपर वाला भाग यहाँ पे 35, ये हमारा टोटल दिख रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे हमने होल देखा था, वही होल यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे के आमने सामने है दोनों होल, इसलिए सिर्फ दो ही यहाँ पे डिटो लाइन दिखाए गए हैं। इसको हम लोग इस तरह से दोबारा देख सकते हैं रोटेट करके, समझने में कोई समस्या ना हो। जैसे इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, तो देखिए अब इसको मैं दिखा रहा हूँ, अब देखिए ये दोनों होल आपके बिल्कुल आमने सामने आ जा रहे हैं। तो सेंटर लाइन एक हमारा बनता है, और सेंटर से 10 इधर और 10 इधर, दो हमारा डिटो लाइन बनता है। फिर इसको और हम लोग समझना चाहें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सामने रख के बिल्कुल यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसको साइड करके रख रहा हूँ, ये समझने में दिक्कत ना हो। जब हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो ये देखिए पीछे वाला भाग जो रेड कलर में दिख रहा है वो आपको इसके साथ आके यहाँ पे जुट जाता है, और ये पीछे का भाग जो है वो आपका दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग इस व्यू को भी इस तरह से करके देख सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पे जो भाग छुप रहा है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ भाग मैंने हिडन के रूप में दिखाया हुआ है, क्योंकि ये भाग, ये पोर्शन आगे का पीछे वाला पोर्शन को ढक रहा है, जिसके चलते यहाँ पे कुछ भाग जो है आपको हिडन के रूप में दिखाना जरूरी है, इसलिए मैंने इस पार्ट को जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं। ये भाग आपका यहाँ पे हिडन रूप में दिखाना जरूरी है। पुनः जूम आउट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लाइन्स दोनों हमारा होल का हो चुका है, और ये दोनों भाग जो है उस एज का, जैसे यहाँ पे इसमें बना हुआ था फ्रंट में, उसी प्रकार यहाँ पे ये साइड में हमारा बना हुआ है। ये हिडन की यदि हम लोग बात करते हैं, ये हिडन कहाँ से आया इसको समझने के लिए पुनः हम लोग व्यू में जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये वाला लाइन। इस लाइन को जब हम लोग साइड व्यू में रखते हैं मूव करके, तो यहाँ पे आप देखिए ये लाइन जो है छिप जा रहा है पीछे में, और ये छिपा लाइन को यहाँ पे हमने हिडन के रूप से दिखाया है। तो इस तरह से हमारा साइड व्यू भी क्लियर हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब हम लोग टॉप व्यू की यदि बात करते हैं, तो टॉप व्यू बिल्कुल सिंपल है, फ्रंट के बेस के बराबर। टॉप का बेस आप ले लेंगे, साइड जितना चौड़ा होगा टॉप उतना ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारी दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन को यहाँ पे दर्शाया गया है। होल जो सेंटर है आप यहाँ पे फ्रंट में देख चुके हैं उसकी दूरी, उसी प्रकार यहाँ पे टॉप में भी इस लाइन से, इसका मेन लाइन जो है वो 40 की दूरी पे, और इस सेंटर से इसकी दूरी 45 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका टोटल 60 है, तो 30 में ये सेंटर लाइन को गुजारेंगे और दो सर्कल यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है।
उसी प्रकार यहाँ पर ये जो स्टेप 15 का दिख रहा है वही भाग हम लोग यहाँ पे देखे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। ये दूरी हमारा यहाँ पे कौन सा लाइन है, इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लें। टॉप व्यू में समझने के लिए पहले इसको फ्रंट के सामने आप समझ जाइए, इस तरह से यह था। ये लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब टॉप से देखते हैं तो ये लाइन हमारा पहला लाइन दिख रहा है, और इधर चूंकि ये भाग हमारा रेडियस में बना हुआ है, इस रेडियस को दिखाने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ, रेडियस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइन देखिए 1-1 मिलीमीटर के दूरी पर खींच दिया है। इस तरह से आप रेडियस वाले भाग को दिखा सकते हैं। और यहाँ पे एक जो लाइन है रिडन लाइन, जो छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए हमने खींचा, तो ये लाइन कहाँ से आया इसको आप समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़। ये देखिए, ये इस पॉइंट से ये दूरी हमारा 60 है, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, स्टेप बना हुआ है। इसको जब हम लोग टॉप व्यू में देखते हैं तो ये वाला भाग इसको ढक देता है, जिसके चलते यहाँ पे आपका ये वाला हिडन यहाँ पे खींच के दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप तीनों व्यू को आपस में रख के देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रंट व्यू, जिसको एलिवेशन बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सेंटर कर दूँ, जिसको हम लोग एलिवेशन के नाम से जानते हैं, राइट साइड व्यू, और ये हमारा टॉप व्यू जिसको प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल का टोटल ड्राइंग को बनाएं, और साथ में ये चैम्बर ऑफ प्रोजेक्शन निश्चित रूप से बनाएं, जो कि थर्ड एंगल का है, और निश्चित रूप से आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इसी उद्देश्य के साथ वीडियो आप लोग के सामने रखा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।